अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू एन अदर वीडियो। कैसे हैं आप? मैं हूं फैजान और आप देख रहे हैं गारमेंट टेक्निक्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बताने जा रहा हूं और वो टॉपिक है GGT के ऊपर। बहुत से लोग जो कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में मौजूद हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि GGT से रिलेटेड और भी वीडियोस बनाएं ताकि उससे हम फ़ायदा हासिल कर सकें। तो इसीलिए दोस्तों, आज की एक और वीडियो GGT के मौजू पर है, लेकिन ये जो मौजू है ये है बिल्कुल इनिशियल स्टेज जो होती है GGT में पैटर्न बनाने की। और जब पैटर्न का स्टार्ट किया जाता है तो एक एंगल से स्टार्ट किया जाता है, उस एंगल को क्या कहते हैं, और उसमें जब भी कोई पेंट बनानी होती है तो सबसे पहले उसमें कौन सी मेजरमेंट्स जो हैं वो ऐड की जाती हैं, और उसके बाद फिर पैटर्न की मेकिंग स्टार्ट की जाती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पैटर्न की बिगिनिंग के मुतालिक बताने जा रहा हूं, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ 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 में लगी बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसके अलावा दोस्तों, आप मुझे YouTube, Facebook पेज, TikTok और स्नैक वीडियो पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने इंटरेस्टिंग टॉपिक की तरफ, जो कि है GGT में पैटर्न बनाने की इनिशियल स्टेज को क्या कहा जाता है और उसे कैसे मेक किया जाता है। जी तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से मुझे काफ़ी लोगों ने GGT के मुतालिक वीडियोस बनाने के लिए कहा था, इसीलिए मैं आपके लिए GGT पर एक और वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि पैटर्न की जो इनिशियल स्टेज होती है वो किस एंगल से स्टार्ट होती है, उस एंगल को क्या बोला जाता है, और जब भी कोई पेंट तैयार करनी होती है तो उसमें सबसे पहले कौन सी मेजरमेंट्स को ऐड किया जाता है, उसके बाद फिर बाकी की मेजरमेंट को अप्लाई किया जाता है और गारमेंट की शेप बन जाती है। आज मैं आपको कंप्लीट पेंट बनाने के बारे में नहीं बता रहा हूँ, आज जस्ट मैं आपको पैटर्न की स्टार्टिंग यानी इनिशियल स्टेज का जो एंगल है उसके मुतालिक बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जो गारमेंट को बनाने के लिए GGT के अंदर एक एंगल इस्तेमाल किया जाता है उसको क्या कहते हैं। दोस्तों, उसको बोलते हैं रेक्ट एंगल। रेक्ट एंगल जो है वो चार कोनों वाला होता है और वो चारों अतराफ से एक ही तरह की मेजरमेंट का होता है। और अगर उसके एंगल की बात करें कि वो कितने डिग्री एंगल पर होता है, तो वो 90 डिग्री का एंगल होता है। आप उसको किसी भी कोने से चेक करें, चारों कोनों से आपको वो एक ही एंगल का यानी कि 90 एंगल का नज़र आएगा। दोस्तों, इसमें जब भी आप पेंट तैयार करने जाते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा जो वाइडर है वो मेजरमेंट लेनी होती है, और इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा लेंथ में मेजरमेंट होती है उसकी आपको ज़रूरत पेश आती है। तो आप क्या करते हैं कि आपकी नज़र में जौन सी विड्थ जो है वो सबसे ज़्यादा है, आप रेक्ट एंगल में सबसे पहले उसको अप्लाई करेंगे। दोस्तों, अपने दिमाग पर जोर दीजिए और इस चीज़ को मेक श्योर कीजिए कि आपके दिमाग में पेंट को लेकर कौन सी चीज़ जो है सबसे ज़्यादा विड्थ में पाई जाती है, यानी क्या वो वेस्ट है, क्या वो हिप का एरिया है, या वो थाई है, नी है, या फिर बॉटम। इनमें से आपके दिमाग में कौन सी चीज़ आ रही है जो सबसे ज़्यादा मेजरमेंट रखती है। दोस्तों, यकीनन आप में से बहुत सारे लोग इस चीज़ को नहीं जानते होंगे, लेकिन जो भी अपने दिमाग में सोच रहे हैं वो लाजमन हिप के बारे में सोचे होंगे, क्योंकि वेस्ट का एरिया हिप के मुकाबले कम होता है और थाई से भी ज़्यादा जो है वो हिप का एरिया होता है। लेकिन दोस्तों, आप यहाँ पर 100% गलत होने जा रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि आपकी जो हिप का एरिया होता है, जब उसको मेजर करते हैं तो आप नोटिस करें कि उसमें चारों पैनल आपके इंक्लूड होते हैं, यानी दो फ्रंट पैनल और दो बैक पैनल। इसमें अगर आप इसको हाफ कर दें तो आपको पता चलेगा कि जो हिप का एरिया वो भी बनिस्बत थाई के कम है। तो आपको क्या करना होगा, इसकी जो राइट मेजरमेंट है वो है थाई की मेजरमेंट। जी हाँ दोस्तों, इस कॉन्सेप्ट को भी आप दिमाग में बिठा लें कि जो थाई की मेजरमेंट होती है वो सिंगल पैनल के हिसाब से सबसे ज़्यादा होती है। जैसा कि आप इस शेप में देख रहे हैं, इस पिक्चर में,
कि उसमें आपको एक पैनल दिखाया जा रहा है, उसमें सबसे ऊपर जो है वो वेस्ट है, उसके बाद हिप का एरिया है, और उसके बाद आ जाती है थाई, फिर नी और बॉटम। अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं, जब भी आप एक पैटर्न तैयार करने जाते हैं, चाहे वो हार्ड पैटर्न हो चाहे वो सॉफ्ट पैटर्न हो, उसके अंदर सबसे पहली जो चीज़ सबसे ज़्यादा विड्थ वाली ऐड की जाएगी वो होगी थाई की। तो थाई ऐड करने के बाद दोस्तों आपको अब ये देखना है कि सबसे लंबी यानी लेंथ में जो सबसे ज़्यादा मेजरमेंट पाई जा रही है साइड चार्ट के अंदर, वो हम इस रेक्ट एंगल पर अप्लाई करेंगे। तो उसको कैसे अप्लाई करेंगे, कौन सी पहली चीज़ें उसमें ऐड करेंगे, तो उसके मुतालिक मैं अब आपको बताता हूँ। दोस्तों इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना आपका थाई वाला, ये ज़रूर माइंड में रखिएगा, हमेशा हिप जो है वो थाई से सिंगल पैनल के लिहाज से कम ही होती है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं लेंथ के बारे में। जो लेंथ है उसमें हमेशा दो मेजरमेंट जो है वो काउंट की जाती हैं। सबसे पहली मेजरमेंट है इनसीम और दूसरी मेजरमेंट है फ्रंट राइजर। जी हाँ दोस्तों, यकीनन आप मेरी इस बात से अभी शायद सहमत ना हो, लेकिन मैं आपको वीडियो में आगे प्रूव कर देता हूँ। वो इस तरह से दोस्तों कि जब भी आपकी लेंथ जो है वो आपने मेजर करनी है, तो आपने जाहिर है एक रेक्ट एंगल के ऊपर फार्मूला अप्लाई करना है। जो फार्मूला होगा वो रेक्ट एंगल में सबसे ज़्यादा लेंथ और सबसे ज़्यादा विड्थ बता रहा होगा। तो उससे क्या फ़ायदा होगा कि आपकी मैक्सिमम लेंथ भी आ जाएगी और मैक्सिमम विड्थ भी आ जाएगी। फिर आप उसकी एक हाफ साइड तैयार कर रहे होंगे, यानी आप देखेंगे साइज चार्ट पर आपको फ्रंट राइजर की मेजरमेंट दिखने को मिल रही होगी, आप उसको उस पर अप्लाई करेंगे और उसके बाद इनसीम की मेजरमेंट मिल रही होगी, उसको अप्लाई करेंगे। दोस्तों ये दोनों मेजरमेंट जो हैं वो लेंथ की हैं, और लेंथ में अप्लाई जब की जाएंगी तो आपकी लेंथ के अंदर दो हिस्सों की मेजरमेंट जो है वो उसको मुकम्मल कर रही होगी, पूरा कर रही होगी। वो इसलिए दोस्तों ताकि आपकी उसमें से इनसीम और फ्रंट राइज दोनों की कैलकुलेशन है वो भी निकल सके। अब यहाँ पर फ्रंट और इनसीम को अलग अलग करने का जो मकसद है वो एक और ये भी है कि जब आप फ्रंट राइज की शेप बनाएंगे और इनसीम की शेप बनाएंगे तो आपके पास एक दरमियानी पॉइंट होना चाहिए जिसको आप शेप देंगे। यकीनन आप समझ रहे होंगे वो जो दरमियानी शेप है दोस्तों, इस चीज़ को मद्देनजर रखिएगा कि हमने सबसे पहला जब रेक्टेंगल में एक फार्मूला अप्लाई किया था, यानी मेजरमेंट सबसे ज़्यादा विड्थ में की थी वो कौन सी थी, थाई की। इसी तरह से जब लेंथ में हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं तो एक इनसीम की है और एक फ्रंट राइज की, और जहाँ पर फ्रंट राइज का एंड होता है दोस्तों वहाँ पर ही आपकी थाई भी आ रही होगी। यानी आपको पता है कि आपका राइजर जहाँ पर एंड होता है वहाँ पर थाई का स्टार्ट होता है, यानी अगर आपने विड्थ में मेजरमेंट करनी है थाई की तो जहाँ पर फ्रंट राइजर का एंड होगा और इनसीम का स्टार्ट होगा उस पॉइंट से आपकी जो आउटसाइड या साइड सीम वाली एक साइड है वहाँ पर आपको मेजरमेंट पॉइंट मिलेगा किसका, थाई का। तो दोस्तों ये दो ऐसी मेन चीज़ें हैं जीजीडी में जिसके मुतालिक काफ़ी ज़्यादा लोगों को आगाही नहीं थी। मैंने आज की इस वीडियो में आपको ये बताने की और समझाने की कोशिश की है कि रेक्ट एंगल जो होता है, जो कि जीजीडी सिस्टम में इनिशियल स्टेज जो होती है पैटर्न मेकिंग की, वहाँ इस्तेमाल किया जाता है, उसको रेक्ट एंगल बोला जाता है। 90 डिग्री का होता है, चार कोनों वाला होता है, और उसमें सबसे पहले आप थाई की मेजरमेंट जो है वो ऐड करते हैं, उसके बाद फ्रंट राइज और इनसीम। दोस्तों आने वाली वीडियोस में मैं मजीद कोशिश करूंगा कि आपको मैं जीजीटी के मुतालिक और भी इंफॉर्मेशन दे सकूं, तो इसलिए मेरी आने वाली वीडियोस को आप ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ नया जानने को मिला होगा और आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ 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 में लगी बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसके अलावा दोस्तों आप मुझे YouTube, Facebook पेज, TikTok और स्नैक वीडियो पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं अब मिलूंगा आपसे इसी तरह के एक इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मैं हूँ फैजान, अस्सलाम वालेकुम।